हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 महीने के कार्यकाल को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी है, खासकर 10 गारंटियों को लेकर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में हैं और कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। इस पर कांग्रेस सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा कर रही है। ओपीएस को लागू कर दिया गया है और महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। स्पीति की 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये सरकार दे रही है। इधर जेपी नड्डा के कांग्रेस को माँ बेटे की पार्टी वाले बयान पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं, चुनावों के समय इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश में उपचुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम के चुनाव हारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्ज के लिमिट में कटौती के साथ फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट में कैपिंग की है, लेकिन प्रदेश सरकार विकास में कमी नहीं होने देगी। सरकार आय के रिसोर्सेज को तैयार करने के लिए काम कर रही है। छः महीनों का जो कार्यकाल है कांग्रेस सरकार का और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, वो उपलब्धियों भरा है। इस कार्य छोटे से कार्यकाल में और किसी भी सरकार के लिए 6 महीने का कार्यकाल कुछ भी नहीं होता है, और हमने जो कुछ वायदे किए थे हमने पूरे किए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस जो है वो दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र अभी भी नहीं मानते कि ओपीएस बहाल हो चुका है, मगर कांगड़ा में, धर्मशाला में 25 मई को कोई 25,000 कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद किया है। हमने जो दूसरी घोषणा की थी कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को पेंशन देंगे, वो हम फेज मैनर में दे रहे हैं। पहले फेज में 2,31,000 महिलाओं को हमने पेंशन शुरू कर दी है। ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता और अनुराग जी जो कहते हैं उनकी जो परेशानी जो है स्वाभाविक है, वो परेशान है। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, एक साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का चुनाव आएगा और हम फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के को हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों की लोकसभा सीट में हम हराएंगे। स्वाभाविक है उनका, अनुराग जी का। अनुराग जी ने तो हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट के विरुद्ध विरोध किया है। वोटर सेस्ट जो हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करेगा, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा, जिसमें कि हमारा लक्ष्य कोई लगभग 3,000 करोड़ रुपए वाटर सेस से हमको आएगा, अनुराग ठाकुर ने उसका विरोध किया। अनुराग ठाकुर जी को तो समर्थन करना चाहिए था, दिल्ली दरबार में पैरवी करनी चाहिए थी, हिमाचल प्रदेश को फंड्स केंद्र से मिले उसकी जो वकालत करनी चाहिए थी।